तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी सेकेंड मॉडल पेपर के बारे में। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट और पिछले कई सालों में रिपीट हुए आपको मिलेंगे। मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे इसलिए मैंने सोचा आप तक प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों सभी के एग्ज़ाम आने ही वाले हैं तो आप लोगों को तैयारी भी तेज सी करनी होगी। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल सके। आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपेंद्र नाथ अस्क का जन्म कहाँ हुआ था? नंबर एक है पंजाब, बी नंबर है आगरा, सी नंबर है बेंगलोर और डी नंबर है उड़ीसा। तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम है वो बेशक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ओके, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, पंजाब में। उपेंद्र नाथ अस्क कौन है मैं आपको पहले बता दूँ, उपेंद्र नाथ अस्क एक आप ऐसा कह सकते हैं एक लेखक हैं या कवि हैं, ऐसा भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ लिखी हैं जो कि आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वो उपेंद्र नाथ अस्क जी से ही रिलेटेड होने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम में उपेंद्र नाथ अस्क जी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी उपेंद्र नाथ अस्क के हैं सारे क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हैं, तो आई होप आपके एग्जाम में जो भी उपेंद्र नाथ जी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा सारे आप कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय पराजय किसकी कृति है? नंबर एक है रामकुमार वर्मा, बी नंबर है नागेंद्र, सी नंबर है रामचंद्र शुक्ल और डी नंबर है उपेंद्र नाथ अस्क। तो जय और पराजय जो कृति है वो है उपेंद्र नाथ अस्क जी की, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ओके, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले एक काम मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि जिस मेहनत से यानी कि जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं वीडियो बनाता हूं, लिखता हूं, उसके बाद आप तक प्रोवाइड करता हूं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वीडियो को पूरी देखें, अच्छे से समझें। ठीक है, बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैंने एक नया चैनल ओपन किया है जिसका नाम है हिंदी न्यूज़, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इतना सपोर्ट करिए, मैं भी आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो प्लीज़ उसको भी आप सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी वीडियो मिलने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, उपेंद्र नाथ अस्क का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन आपको मिल जाएंगे 1950 और बी नंबर है 1912 और सी नंबर है 1925 और डी नंबर है 1910। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, 1910 में हुआ था उपेंद्र नाथ अस्क जी का जन्म। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि देवताओं की छाया में एकांकी किसकी है? ऑप्शन एक है यशपाल, बी नंबर उपेंद्र नाथ अस्क और सी नंबर है हजारी प्रसाद और डी नंबर है अज्ञे। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवताओं की जो छाया है वो एकांकीकार है, उसके एकांकीकार हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पाठ्यक्रम में उपेंद्र नाथ अस्क की कौन सी एकांकी संकलित है? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके बीए फर्स्ट ईयर में जो भी सिलेबस है, जो भी लेसन है, उसमें जो उपेंद्र नाथ अस्क जी का जो एकांकी है वो कौन सा है? ऑप्शन एक है लक्ष्मी का स्वागत, बी नंबर है चरवाहे और सी नंबर है करुआ और डी नंबर है पक्का गाना। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, लक्ष्मी का स्वागत भी फर्स्ट ईयर में ये लेसन है उपेंद्र नाथ अस्क जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उपेंद्र नाथ अस्क की मातृभाषा क्या थी? नंबर एक मराठी, बी नंबर है पंजाबी और सी नंबर है कन्नड़ और डी नंबर है गुजराती। तो उपेंद्र नाथ जी की अस्क जी की जो मातृभाषा है वो है पंजाबी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पिंजरा कहानी किसकी है? नंबर एक निराला, बी नंबर राम कुमार वर्मा, सी नंबर उपेंद्र नाथ अस्क और डी नंबर जैनेन्द्र। राइट आंसर आपको मालूम ही हो गया होगा, सी नंबर हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क, लेकिन ये आप कृति का ध्यान दीजिएगा, इनकी कहानी जो भी एक एकांकी है उस पर ध्यान दीजिएगा कि इन्हीं की है। ठीक है, पिंजरा कहानी वो उपेंद्र नाथ अस्क जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी कब लिखा गया? यानी कि अभी तो आपने बात की एकांकी लेखक के लेखक कौन है, ठीक है, या एकांकी किसकी, लक्ष्मी का स्वागत किसकी एकांकी है। ठीक है, तो आपने कहा कि उपेंद्र नाथ अस्क जी की लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि एकांकी कब लिखी गई या कब इसका प्रकाशित हुई। ठीक है, नंबर एक है 1900
45 बी नंबर है, 1935, सी नंबर 1937 और डी नंबर है 1920। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1937, सी नंबर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से तूफान से पहले एकांकी किसकी है। ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं, राइट आंसर आपको मालूम ही हो गया होगा, ए नंबर हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अस्क। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोशन के मित्र का क्या नाम था। नंबर एक विजय, बी नंबर धीरेन्द्र, सी नंबर सुरेंद्र और डी नंबर है महेंद्र। तो रोशन के जो मित्र का नाम था वो था क्या था, सुरेंद्र, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितारों का खेल किसकी कृति है। नंबर एक रामचंद्र शुक्ल, बी नंबर महादेवी वर्मा, सी नंबर उपेंद्रनाथ अस्क और डी नंबर निराला। राइट आंसर इसका हो जाएगा उपेंद्रनाथ अस्क जी की सितारों का खेल कृति है। ठीक है, इनकी कृति है उपेंद्रनाथ अस्क जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण कुमार को लेकर सर्वप्रथम किस डॉक्टर के यहाँ गया। ऑप्शन एक सखाराम, बी नंबर निहाल सिंह और सी नंबर सीताराम, डी नंबर जीवाराम। तो क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए, रोशन अरुण को सर्वप्रथम किस डॉक्टर के पास या किस डॉक्टर के यहाँ लेकर गया। ठीक है, थोड़ा टाइप करने मिस हो गया, उसे आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिएगा, फिलहाल मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो सबसे पहले जो ले गया था वो ले गया था डी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा जीवाराम के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में कितने पात्र हैं। तो नंबर एक है 8, बी नंबर 15, सी नंबर है 12 और डी नंबर है 6। तो जो आप लोगों का लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है उसमें जो पात्रों की संख्या है, पात्र की, वो है 6 नंबर, यानी कि 6 है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापी एकांकी किस सन में प्रकाशित हुई। नंबर एक 1927, बी नंबर है 1938 और सी नंबर है 1931, डी नंबर 1937। तो पापी एकांकी की जो सन में प्रकाशित हुई थी वो सन था 1937, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज्यादा अपनी काम पराई कृति किसकी है। ज्यादा अपनी कम पराई, ऑप्शन एक है गे, बी नंबर उपेंद्रनाथ अस्क और सी नंबर रामचंद्र शुक्ल और डी नंबर है मोहन राकेश। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम बेशक कमेंट करके बोल सकते हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर उपेंद्रनाथ अस्क जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीप जलेगा कृत किसकी है। राइट आंसर आपको मालूम ही हो गया होगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा उपेंद्रनाथ अस्क का है दीप जलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशन का रिश्ता लेकर किस जगह के लोग आए थे। नंबर एक रामनगर के, बी नंबर कानपुर और सी नंबर बनारस, डी नंबर है सियालकोट। तो रोशन के लिए जो रिश्ता लेकर आए थे वो जगह था सियालकोट से। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सियालकोट से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशन की दिव्यागता पत्नी का क्या नाम था। नंबर एक है कमला, बी नंबर बिमला, सी नंबर सरला और डी नंबर सुशीला। तो जो रोशन की दिव्यांगता पत्नी थी उनका नाम था, राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर, सरला था। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, साहब को जुकाम है एकांकी किसकी है। नंबर एक उपेंद्रनाथ अस्क, बी नंबर महादेवी और सी नंबर शिव पूजन, डी नंबर यशपाल। तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम बेशक कमेंट करके बताएं, आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा साहब का जुकाम जो एकांकी है। आप समझ सकते हैं कि थोड़ा एकांकी का जो नाम है वो थोड़ा आप लोगों को अजीब लग रहे होंगे, लेकिन ये सब एकांकी के नाम हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कृति के नाम हैं। अब साहब को जुकाम है ये कैसी एकांकी है, ठीक है, लेकिन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर उपेंद्रनाथ अस्क जी की साहब को जुकाम है एकांकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में माँ किसकी शादी का उदाहरण देती है। नंबर एक जग प्रताप, बी नंबर राम प्रताप, सी नंबर भांसी और डी नंबर है रोशन। तो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में माँ जो शादी का उदाहरण देती हैं वो देती हैं राम प्रताप का, इसलिए राइट आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन अगला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अस्क का यानी कि उपेंद्रनाथ अस्क का एक कुशल टेक्नीशियन है। ठीक है, उपेंद्रनाथ अस्क जी एक
कुशल टेक्नीशियन है, कथन किसका है? नंबर एक नामवर सिंह का, बी नंबर नगेंद्र का, और सी नंबर डॉक्टर रामचरण महेंद्र का, और डी नंबर रामकुमार वर्मा का। तो आस्क जी एक कुशल टेक्नीशियन है, ये जो कथन है वो है डॉक्टर रामचरण महेंद्र का, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी का स्वागत किस जिले की कहानी है? ऑप्शन एक है आपके पास हरदोई, बी नंबर जलंधर, सी नंबर नागपुर, और डी नंबर है महाराष्ट्र। तो लक्ष्मी का स्वागत जो आपके सिलेबस में एकांकी है या कृति है, ठीक है, वो किस जिले की कहानी है? तो आप लोगों को राइट आंसर मालूम है तो बेशक कमेंट करके हमें बता सकते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर जलंधर, जलंधर जिले की कहानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उपेंद्र नाथ अस्क का पहला एकांकी पापी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो उपेंद्र नाथ जी की, अस्क जी की जो पहले एकांकी थी उसका नाम था पापी। ओके, वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई आप लोगों को बताना है। ऑप्शन एक है प्रतीक, बी नंबर है विशाल भारत, और सी नंबर है समन्वय, और डी नंबर है सुधा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, वो था सुधा, ठीक है, सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उपेंद्र नाथ अस्क का प्रथम कहानी संग्रह जुदाई की शाम का गीत कब प्रकाशित हुआ या हुई थी? तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा 1933, और बी नंबर 1932, सी नंबर 1956, और डी नंबर है 1935। तो उपेंद्र नाथ अस्क की जो प्रथम कहानी संग्रह जुदाई थी, जुदाई की शाम का गीत था, वो प्रकाशित हुई थी सन 33 में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 1933। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि अस्क का जीवन संघर्षों का एक जीवित इतिहास है, ये कथन किसका है? ऑप्शन आपको मिल जाएगा अज्ञे, बी नंबर है भारतेंदु, सी नंबर है मोहन राकेश, डी नंबर है रामचंद्र तिवारी। शुक्ल जी नहीं, रामचंद्र तिवारी है, ठीक है। तो अस्क का जीवन संघर्षों का एक जीवित इतिहास है, ये कथन है किसका? राइट आंसर इसका हो जाएगा रामचंद्र तिवारी जी का, रामचंद्र तिवारी जी ने ये कथन कहा, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उपेंद्र नाथ अस्क का निधन कब हुआ था या इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो अभी मैंने ऊपर जन्म बताया, कहाँ पर हुआ था वो भी बताया, अब यहाँ पर आ गए निधन कब हुआ था। तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा 1990 और 1999, अगला ऑप्शन है 1994, और डी नंबर है 1996। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, उपेंद्र नाथ अस्क जी का जन्म 1996 ईस्वी में हुआ था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ओके, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लिए, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है तो बेशक कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन मैंने डाले, क्योंकि क्वेश्चन और भी थे, ज़्यादा नहीं थे लेकिन 10-15 क्वेश्चन और भी मिलते, लेकिन मैंने इतने क्वेश्चन आप लोगों को बताए क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, आप लोगों को बोरिंग ना फील हो, ठीक है। बस इसीलिए मैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं डालता हूँ, कि जितना भी डालूँ आप लोगों को समझ में आए बस। और मैं तैयार कर लिए क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन मैं पूरी वेबसाइट पे डाल दूंगा, वेबसाइट का नाम आप लोगों को बताइए sandeepinfo.com, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और क्लिक करिए। वेबसाइट पे बहुत सारे कवि और लेखक के मैंने क्वेश्चन डाल दिए हैं, कबीर दास, तुलसीदास, रहीम दास, बिहारी दास, बहुत सारे लेखक की, तो आप वहाँ पर जाइए तैयारी करिए और वहाँ से भी आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन आंसर दोनों मैंने डाल दिए हैं, ठीक है, आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल जाएगी काफ़ी। तो बस दोस्तों इतना ही आप लोगों को बताना था, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ ये वीडियो दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए, जो आपके अराउंड में बहुत सारे आपके फ्रेंड दोस्त हैं उन तक शेयर करिए। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे आपको चांस मिल जाए कि हाँ मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ, जैसे कि मैं कर रहा हूँ वीडियो बना के आप तक प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप भी किसी को ये वीडियो शेयर करके अपने इंस्टाग्राम पे, अपने फेसबुक पे, ठीक है, जो भी आप यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, ज़रूर शेयर करिए, ठीक है।
बस मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, शाम को आप 7 बजे डेली तैयार रहिए, मेरी क्लासेस आ ही जाती हैं। बस मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।